तो प्यारे बच्चों, उप समुच्चयों के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। घात समुच्चय पिछले वीडियो में आपको बताया था, रह गया था, इसको पहले बता दे रहा हूं। अगर हम क्या करें, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय बना लें। इससे पहले अगर एलिमेंट एक सेट ए हमारे पास था, जिसके एलिमेंट मैंने 1 और 2 लिए थे, तो इसका सबसेट मैंने कहा, इसके जो सब इसके उप समुच्चय बनेंगे, उप समुच्चय मैंने कहा एक बनेगा 5, 1, 2 और 1, 2, ये इसके 4 उप समुच्चय बने। अब मैं क्या करूं, अगर इन उप समुच्चयों का भी एक और समुच्चय बना दूं, तो वो क्या कहलाएगा, समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाएगा, जिसको हम पी ए नोटेशन से लिखेंगे। तो पी ए बराबर हो गया 5, 1, 2 और 1, 2। बिल्कुल स्पष्ट है कि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या उसी नियम पर आधारित होगी, जैसे हमने कहा था कि अवयवों की संख्या की घात 2, ये हमने कहा था, तो वही नियम इसमें काम करेगा। तो ये हमारा घात समुच्चय हो गया। इसके बाद अब उप समुच्चय में ही वास्तविक संख्याओं के वर्ग अंतराल के रूप में समुच्चय, ये आपने पढ़ना है, ये आपके लिए यहां पर इंटरमीडिएट में नई चीज है। तो कैसे हम देखो इसको करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। परिभाषा एक हमने लिखी है यहां पर, विवृत अंतराल लिखा है। परिभाषा ऐसे है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा ए लेस देन बी, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी को हम क्या कहते हैं, विवृत अंतराल कहते हैं, और इसे ए कॉमा बी द्वारा निरूपित करते हैं। तो आप देखिए, इस तरह के नोटेशन आपने कक्षा 10 में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे वहां पर, और वहां आपने इनको निर्देशांक कहा था, तो वो अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है। यहां पर ये अंतराल को बता रहा है, जिसे लिखा है इस समुच्चय में ए और बी के बीच के सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिलित होती हैं, परंतु ए और बी शामिल नहीं होती। चित्र मैंने यहां पर बना रखा है, मान लो वास्तविक संख्या रेखा है, यहां पर मान लीजिए बिंदु ए है, मान लीजिए मान लो यहां पर 1 है, और बी के स्थान पर 6 ले लीजिए आप, ए का मान 1 है, बी का मान 6 अगर है, तो इसको विवृत अंतराल के रूप में जब हम लिखेंगे इसको 1, 6, तो 1, 6 का मतलब हुआ कि 1 और 6 के बीच की जो भी वास्तविक संख्या है सारी की सारी, वो किसमें आ जाएंगी, इस अंतराल में, जिसको हम विवृत अंतराल करें, इसमें शामिल होंगी, परंतु ये एक्सक्लूड रहेंगे, ए और बी यानी 1 और 6 इसमें नहीं आएंगे। इस प्रकार के अंतराल को हम विवृत अंतराल कहते हैं। इसी प्रकार तो ये विवृत अंतराल, इसको हमने कहा था, जिसको अंग्रेजी में हम ओपन इंटरवल कहते हैं। तो इस बात का ध्यान आप रखेंगे, इसमें ये जो अंत बिंदु हमारे हैं 1 और 6 यानी ए और बी, इस अंतराल में शामिल नहीं रहेंगे। अब दूसरे प्रकार का होता है, नंबर दूसरा अंतराल हमारा संवृत अंतराल। तो संवृत अंतराल की जो परिभाषा है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम देंगे, ये सारी की चीजें ऐसी आएंगी, और जहां पर इसका नोटेशन, यहां पर संवृत अंतराल हो जाएगा, और इसका जो नोटेशन है हमारा, इस प्रकार से हम लिखते हैं ए बी। अब इस जब हम संवृत अंतराल की बात करेंगे, अगर हम ए और बी संवृत अंतराल है जब हम कहेंगे, तो अब क्या होगा, तो इसी चित्र में करेक्शन करके दिखा रहा हूं आपको, हम क्या करते हैं, इसको जब चित्र दिखाएंगे आप, इसको आप ब्लैक कर देंगे, इसे काला कर देंगे। इसका मतलब है कि यह बीच के भाग के साथ साथ ए और बी भी इसमें सम्मिलित हैं, यानी 1 और 6 ये संख्याएं भी इसमें सम्मिलित रहेंगी, तो इसको हम कहते हैं संवृत अंतराल, और अंग्रेजी में क्लोज्ड इंटरवल इसको कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल इसका नाम है। तो 2 प्रकार के हमारे अंतराल हो गए। तीसरा प्रकार का अंतराल अर्धसंवृत अंतराल, अर्धसंवृत अंतराल। अब ये 2 प्रकार से हो सकता है, बाएं से हो सकता है संवृत हो, या दाहिने से संवृत हो सकता है। तो जैसे दो रूप में क्या हो जाएगा, डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी रहेगी। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, तो आप देख रहे हैं कि ये यहां से संवृत अंतराल है इसका, यानी ये बी की वैल्यू लेगा ये अंतराल में, और ए को नहीं लेगा। इस केस में इसका जो आपका फिगर हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू उनको लेनी है, ए नहीं लेना है, तो आप इसको सफेद छोड़ देंगे। ये इसका नोटेशन हो जाएगा अर्धसंवृत अंतराल का, जो कि दाहिनी ओर से। जब बाईं ओर से ये अंतराल होगा, इसका नोटेशन हमारा हो जाएगा यहां से क्लोज, यहां से ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अब ए बी, इसका मतलब क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, ये बिंदु इसमें शामिल है इंटरवल में, और ये वाला शामिल नहीं है। तो वास्तविक संख्या रेखा में जब आप नोटेशन देंगे, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। और समुच्चय के रूप में अगर लिखें, संवृत अंतराल के लिए हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, ये विवृत अंतराल हो गया। और संवृत अंतराल में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन, और इक्वल टू सिंबल पे हमने डाल दिया है, तो ये हो गया संवृत अंतराल।
और इसी प्रकार से एक्स सदैव ये अर्ध संवृत अंतराल है, राइट हैंड साइड से क्लोज्ड है और लेफ्ट हैंड साइड से ओपन है, ये नोटेशन का हो जाएगा। और चौथे प्रकार का हो जाएगा एक्स सच दैट, यहां से ये वैल्यू ये लेगा और ये वाली वैल्यू नहीं लेगा, तो ये भी सेमी क्लोज्ड हुआ। ये चार प्रकार के हमारे अंतराल हैं जो आपके लिए यहां पर नई चीज आ गई है, तो ध्यान आप रखेंगे कि कैसे जो है किसी वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय के रूप में हम अंतराल को परिभाषित करते हैं। अब हम आ रहे हैं आज इसी में आगे बढ़े समष्टि समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट इसका नाम अंग्रेजी में। तो समष्टि समुच्चय जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा समुच्चय, देखिए अपने डेफिनेशन लिखी है, किसी दिए गए समुच्चय के संदर्भ में वह समुच्चय जिसमें विचारणी समुच्चय व इसी प्रकार के सभी समुच्चयों का सभी समुच्चयों का जो अधिसमुच्चय होता है, अधिसमुच्चय होता है उसको हम क्या कहते हैं, उनका समष्टि समुच्चय कहते हैं। और समष्टि समुच्चय को नोटेशन यू, यूनिवर्सल सेट है तो यू से इसको डिनोट करता है। और इसका दूसरा शब्द भी है हिंदी में, वो है सार्वत्रिक, भी इसको कहा जाता है सार्वत्रिक समुच्चय भी इसका नाम है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी संदर्भ में जो बड़ा से बड़ा समुच्चय होगा वो क्या होगा, वो समष्टि समुच्चय होगा। उदाहरण के लिए अगर हम क्या करें, हिंदी के 12 महीनों के समुच्चय बनाते हैं, जनवरी फरवरी ऐसे करके दिसंबर तक का अगर हम समुच्चय बनाते हैं, अब इसके सबसेट बनाते हैं, बी सेट हम ले लेते हैं, मान लो जनवरी मार्च, अब इसी प्रकार से डेफिनेशन में है कि इसी प्रकार के सभी समुच्चय, इसी प्रकार का एक समुच्चय हमारा हो सकता है, इसमें हम लिखते हैं फरवरी अप्रैल, एक सेट और मैं लेता हूं डी, मान लो इसमें लेते हैं नवंबर दिसंबर, ये सेट मैंने ले लिया। तो ये क्या है, एक ही प्रकार के सारे समुच्चय हैं, और हम ये देख रहे हैं कि सारे के सारे जो समुच्चय हैं, बी है चाहे सी है चाहे डी है, ये सब के सब समुच्चय ए के सबसेट है। अतः इन समुच्चय ये क्या हो गया, ए समुच्चय इसका इनका अधिसमुच्चय हो गया, अर्थात इसी को हम क्या नाम देंगे, समष्टि समुच्चय इसको हम कहेंगे। तो समष्टि समुच्चय का जो नोटेशन है उसको हम अभी वेन डायग्राम वाली बात आ रही है, इसको हम अभी अगले वीडियो में इसको बताएंगे। तो किसी भी समष्टि समुच्चय को एक आयताकार हम डिब्बा बनाते हैं और उसमें यू करके लिख देते हैं, और उसके जो सबसेट्स आते हैं इसके अंदर जो है गोलों की सहायता से दिखाते हैं, जैसे ये वाला सेट हमारा बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ये इसका नोटेशन है। अब इसी में बताना चाह रहा हूं आपको कि चित्र की सहायता से जब हम किसी समुच्चय को दिखाते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं समुच्चय को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार के वृत्तों का इस्तेमाल किया है। ये जो तरीका है वृत्तों को इस प्रकार से दिखाने का, इसका सबसे पहले स्विस गणितज्ञ एक थे, उनका नाम आइलर था, इनने सबसे पहले इसको बताया था, वृत्तों की सहायता से उन्होंने किसी समुच्चय को व्यक्त करने का तरीका बताया था, और इस विधि को बाद में विकसित किया जॉन वेन ने इस विधि को बाद में विकसित किया। तो इस प्रकार के चित्रों की सहायता से अभी हम आगे सेट थ्री बहुत सारे हम चीजों को पढ़ेंगे, तो इस प्रकार के चित्र हम जब बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं आइलर वेन डायग्राम कहेंगे, या खाली शॉर्ट में हम वेन डायग्राम भी कहते हैं। इसकी जानकारी आपको अगले वीडियोज में मिलेगी। धन्यवाद।